अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन और हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नाज़रीन, रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। बारां ज़िला में 250 दलित खानदान जो ऊंची जात के लोगों की पिटाई से जख्मी हुए, हिंदू मजहब छोड़कर बौद्ध मजहब इख्तियार कर गए। उन लोगों ने अपने घरों से देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को बेलती नदी में डुबो दिया। इन खानदानों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर किया और इल्ज़ाम लगाया कि 15 दिन पहले देवी दुर्गा की आरती करने पर दलित बिरादरी के नौजवानों को ऊंची जात के लोगों ने मारा था। सोसाइटी ने सदर से लेकर जिला इंतजामिया तक इंसाफ की इल्तिजा की, लेकिन हमलावर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पूरा मामला छाबड़ा इलाके के भोलोन गाँव का है। जिला बेरवा महासभा युवा मोर्चा के सदर बालमुकुंद बेरवा ने बताया कि 5 अक्टूबर को दलित बिरादरी के नौजवान राजेंद्र और रामे अरवाल ने भोलोन गांव में मां दुर्गा की आरती का अहतमाम किया था। नाराज सरपंच नुमाइंदों राहुल शर्मा और लालचंद लुधा ने इस प्रोग्राम के निकात को लेकर उन दोनों पर हमला किया, जिस पर समाज के लोगों ने पुलिस इंतजामिया, वजीर आला, वजीर आजम और सदर ममलिकत से इंसाफ की अपील की। लेकिन जब कहीं से कोई कार्रवाई न हुई तो समाज के लोगों ने इज्तिमाई तौर पर मजहब तब्दील करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया की तरफ से हिरासत किए जाने वाले अहले खाना और गाँव वालों ने जुमा को गांव की गलियों और मोहल्लों में एहतिजाजी रैली निकाली। उसके बाद बेतली नदी पर पहुंचकर देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को दरिया में डुबो दिया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 कसमें खाकर हिंदू मजहब छोड़कर बुद्ध मजहब इख्तियार करने का हलफ लिया। इस दौरान सभी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी मुलजिम लोगों को जान से मारने और गांव से भगाने की धमकियां दे रहा है। बालमुकुंद बेरवा ने इंतबा दिया है कि अगर मरकजी मुलजिम को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो छाबड़ा SDM ऑफिस पर मुजाहरा किया जाएगा। उन्होंने रियासत में अमन अमान की सूरत हाल को ठप करने और दलितों के खिलाफ मजालिम के वाक़यात में इजाफा का इल्ज़ाम लगाया। इस दौरान रमेश मराठा, बद्रीलाल बेरवा, छत्रलाल बेरुआ, रामहत बेरवा, महिंद्र मीना वगैरह मौजूद थे। DSP पूजा नगर ने कहा है कि मुतासिरा ने थाने में FIR दर्ज कराई है, लेकिन इसमें सरपंच के नुमाइंदे का नाम नहीं लिखा गया है। इसे सियासी जोर दिया जा रहा है, मामले की तहकीकात की जा रही है। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ, अल्लाह हाफिज।